سبحانه وشمال. الله أكبر ما تعالت الأصوات لرؤيتهما بالتكبير والتهليل. जुम्मे के दिन की मुनासबत से आज हमने सोचा कि इस्लामिक सेंटर जाया जाए नमाज़ पढ़ने, उसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं। नमाज के बाद आपको कुछ क्लिप्स बताएंगे। के मुनासबत से नमाज यहाँ पर अदा की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर से निकले और यहाँ मस्जिद में पहुँचे। माशाल्लाह से यहाँ पर एक कसीर तादाद मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद थी तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर नमाज आ गए। बाबर भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे की नमाज़ इतनी बड़ी मस्जिद में पड़ी है इतनी सारे मजमे के साथ, तो बहुत ही मज़ा आया और मुझे एक फीलर आता है ना, एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अंदर से हुई है कि यार किसी ने आज दिल के ऊपर कुछ रख दिया है कि भाई एक सुकून मिला है। जो फीलर आता है कि आप मस्जिद में आते हैं और नमाज पढ़ते हैं जुम्मे की, बिल्कुल वो और प्रॉपर मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो आपको यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा नज़र आई, पाकिस्तानी लोग हैं? यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत थोड़ी है, कम है, और वो बहुत ज़्यादा है। ये जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, लाइक इसमें बंगाली ज़्यादा है, टर्किश है, टर्किश इमाम मस्जिद शायद टर्किश है, बहुत सारे लोग टर्किश ज़्यादा है। तो देखें बहुत यहाँ पर आज हमें एक अंदर से हैप्पीनेस हुई कि यार अपनी एक कौम को, ये मुसलमान बेसिस हम सब एक कौम है, तो यहाँ पर इन सबको देख कर एक कल्चर में देख कर बहुत खुशी हुई। तो आपको मजीद भी व्यूज़ दिखाते हैं। ट्रेन तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ पहुँच गई है, पहुँच गए, पब्लिक देखें थोड़ा सा। नमाज पढ़ने के बाद वापस पहुँच चुके हैं फ्लेमिनियो पे। अब फ्लेमिनियो पे हम लोग वापस जाएंगे मेट्रो ए पर, और मेट्रो ए पर से सफ़र करने के बाद मिलेंगे सिंह जवानी।